कुछ दिनों से टिकटॉक पे इस तरह का एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। अगर आप भी इस तरह का वीडियो बना के टिकटॉक पे वायरल होना चाहते हो तो आप भी इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैं इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप सब कुछ बताऊंगा कि किस तरह से इस वीडियो को शूट करना है, किस तरह से इस वीडियो को एडिट करना है। मैं इस वीडियो के अंदर सब कुछ बताऊंगा, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप किए बगैर लास्ट तक देखिए। तो सबसे पहले आपके फोन में जो काइन मास्टर है उसे ओपन करना है। अगर आपके फोन में काइन मास्टर नहीं है तो आप उसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे जो प्लस का निशान दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से 9:16 रेशियो को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर की तरफ जो मीडिया ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से एक बैकग्राउंड को ले लेना है। अभी आपको लेयर पे जाके उस वीडियो को इंपोर्ट करना है जिस वीडियो को आप शूट किए हो। तो मैं अभी उस वीडियो को लेकर आके आपको दिखा देता हूँ कि आपको किस तरह का वीडियो शूट करना है। तो लेयर पे जाना है। लेयर पे जाने के बाद यहाँ पे जो मीडिया का ऑप्शन है आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपकी जिस फोल्डर पे वो वीडियो है आपको उस फोल्डर से उस वीडियो को इंपोर्ट करना है। आपको जो यहाँ पे बैकग्राउंड दिखाई दे रहा है आपको इस बैकग्राउंड को इस वीडियो के बराबर कर देना है। अभी आपको इस वीडियो को प्ले करके दिखा देता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको किस तरह से शूट करना है। आपने देख लिया आपको इस तरह से वीडियो को शूट करना है। अगर आपके वीडियो पे कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है तो आप उस लेयर के ऊपर क्लिक करके यहाँ पे जो कांची का निशान है कांची के ऊपर क्लिक करके अभी से यहाँ से काट कर सकते। उसके बाद यहाँ पे जो बारिश वाले इफेक्ट होगा उसे आपको इम्पोर्ट करना होगा। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो उस वीडियो को इम्पोर्ट करने के लिए आपको यहाँ पे जो लेयर के ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे मीडिया पे जाना है और आपको उस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। आपको यहाँ पे जो थ्री डॉट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो फुल स्क्रीन का ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो टिक का निशान है इसके ऊपर क्लिक करना है। ये जो बारिश वाली वीडियो है ये आपकी फुल स्क्रीन में आ जाएगा। आने के बाद आपको यहाँ पे जो बारिश वाली लेयर की वीडियो है आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है और यहाँ पे जो क्रोमा की का ऑप्शन है आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे जो इनेबल का ऑप्शन है आपको इसे इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद आपको यहाँ पे इसका सेटिंग को सही से फिट कर लेना है। उसके बाद आपको ये इस वीडियो को प्ले करके दिखाता हूँ। पर आपका वीडियो रेडी होने के बाद आपको यहाँ पे शेयर के ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करके इस वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है और आपको इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए टिकटॉक पे जाना है। टिकटॉक पे जाने के बाद आपको अभी जो ट्रेंडिंग गाना चल रहा है आपको उस गाने के ऊपर इस वीडियो को पोस्ट करना है। उससे यह होगा आपकी वीडियो वायरल होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपको तो मालूम ही है टिकटॉक पे हर रोज़ एक ना एक वीएसए वाले वीडियो आते रहते हैं। अगर आप आगे चल के इस तरह का वीडियो किस तरह से बनाया जाता है उसका एडिटिंग सीखना चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद पास में आई हुई घंटी को दबाना मत भूलिएगा। नहीं तो मैं आगे चल के कोई भी वीडियो को मेरे चैनल पर पोस्ट करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन अब तक नहीं जाएगा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी इस तरह का वीडियो किस तरह से बनाते हैं उसका सही से पता चल जाए। अगर आपके पास इस तरह का कोई वीडियो है आप उस वीडियो को भी किस तरह से एडिट करते हैं वो सीखना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपके टॉपिक के ऊपर भी एक वीडियो बनाने की बहुत जल्द कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आगे एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।